बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन मीटिंग्स वेब कॉन्फ्रेंसिंग इंस्टॉलेशन के इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ओपन मीटिंग्स, और इस पेज को हमने यहाँ पे देखा था, जो कि आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर सिर्फ गूगल के अंदर जाके ओपन मीटिंग्स विकी लिखें तो आपके सामने ये पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको एक पूरी वेबसाइट जो कि गूगल कोर्स के ऊपर अवेलेबल है वो आपको मिलेगी, जिसमें प्रोजेक्ट होम है, डाउनलोड सेक्शन है, विकी है, इश्यूज़ हैं और सोर्स है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड अपडेट्स के सेक्शन में हम जाएंगे और ओपन मीटिंग इंस्टॉलेशन को क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने ये पेज जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपको सामने नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम इसको साथ डाउनलोड पे भी लगा देते हैं, क्योंकि ये हमें डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल करना है। और अगर आप नीचे जाएं तो नीचे आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इंस्टॉल ओपन मीटिंग्स ऑन यूबंटो 10.04 LTS लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो इसको, इस पेज को हमने ओपन किया था ऑलरेडी, और इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ ओपन मीटिंग्स ऑन यूबंटो 10.4 के ऊपर का प्रोसेस है। और आप यहाँ से किसी आर्टिकल को, जो आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको भी ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। जी, यहाँ पे openstudio.info के नाम से एक वेबसाइट है जिसके ऊपर इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सारा मौजूद है। तो हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे, जिस पेज पे हम मौजूद हैं, हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इस कंप्यूटर के अंदर टर्मिनल को ओपन करता हूँ। रूट शेल पे आ जाते हैं। सॉरी, मैंने पासवर्ड गलत टाइप किया था। हो चुका है लॉगिन मेरा सिस्टम, और जो यहाँ पे चीज़ें हैं हमें अवेलेबल हमारे पास, इन सारों को हम बारी बारी लेकर चलते हैं। अगर आप गौर करें तो इसने यहाँ पे हमें कहा है कि ये प्रोसेस स्टार्ट करें कुछ पैकेजेस इंस्टॉलेशन से। तो इन पैकेजेस को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और सिस्टम को इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं। आप इनको बड़ी आसानी से, इन पैकेजेस को, सॉरी, यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जितनी देर में इंस्टॉलेशन होगी उतनी देर में हम साथ और भी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे प्रोसेस को कंटिन्यू रखने की, या फिर हम थोड़ी देर वीडियो को पॉज करेंगे ताकि हम ये चीज़ें मिस ना करें। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और जो टर्मिनल हमने ओपन किया है इसके ऊपर जाके हम इसको पेस्ट करते हैं। तो आप अगर चेक करें तो इसके ऊपर मुख्तलिफ पैकेजेस इंस्टॉल हो रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये बताता जाऊँ, जिस तरह आपको जावा नज़र आ रहा है, सन जावा, उसके अलावा आपको यहाँ पर MySQL सर्वर नज़र आ रहा है, इमेज मैजिक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और सॉक्स एक यूटिलिटी है वो आपको नज़र आ रही है, और इसी तरह कुछ बेसिक यूटिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इसको हम इंस्टॉल के लिए एंटर करते हैं, और ये सिस्टम हमें बता रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद 377 MB एडिशनल डिस्क स्पेस इस्तेमाल होगी। और ये ऑब्वियसली कुछ टाइम लेगा सिस्टम की इंस्टॉलेशन और अपग्रेडेशन में, और ये आपको दिखाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रोसेस में स्टार्ट करता हूँ, और थोड़ी देर के लिए अपनी मशीन को मैं इस वीडियो सेशन को पॉज करूँगा। तो यस करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देख लें कि प्रोसेस कहाँ तक है, और मेरी इंटरनेट स्पीड के मुताबिक इस वक्त सिस्टम मुझे बता रहा है कि ये तकरीबन 22 मिनट्स हो गए हैं। इसको स्पीड को थोड़ा और सा और तेज़ होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अच्छा इंटरनेट है। हाँ जी, कुछ टाइम लगेगा, तो जितना टाइम इसके ऊपर लगता है उतनी देर में मैं
वीडियो को पॉज करता हूँ और दोबारा कंटिन्यू करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन के बाद। यहाँ पे वीडियो हमने रिज्यूम की है, तो अगर आप गौर करें तो इस वक्त ये इंस्टॉलेशन कर रहा है। माई सीक्वल का पासवर्ड पूछेगा, तो आपने अपना जो भी पासवर्ड आप माई सीक्वल का रखना चाह रहे हैं वो आपने इसको प्रोवाइड करना है। और इसके अलावा फिर कुछ और चीज़ें भी आपसे ये पूछेगा और आपने वो भी प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज़ ये इंस्टॉलेशन तो कर रहा है सिस्टम ऑटोमेटिकली। इसने माई सीक्वल कोर सर्वर 5.1 इंस्टॉल किया है। इसी तरह ये सन जावा 6 JRE का पूछ रहा है यहाँ पे। डाउन एरो की से इसको एक दफा डाउन ले जाएं। ओके पे प्रेस करें और ये पूछ रहा है कि आप इसका एग्रीमेंट लाइसेंस एक्सेप्ट करेंगे, तो यस हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। दो तीन मिनट सिस्टम और लेगा इंस्टॉलेशन के बाद, इनको डाउनलोड के बाद इनको इंस्टॉल करने में और कॉन्फ़िगर करने में। यहाँ पे एक सिस्टम ने एक छोटा सा मैसेज भी शो किया है कि इसको एक दफ़ा शायद रीबूट भी रिक्वायर्ड है, तो इसको भी हम देखेंगे। जी, और अगर आप गौर करें तो अब हमारा सिस्टम यहाँ पे हमें कह रहा है कि ये नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसमें आपने ओपन ऑफिस बिट्स को इंस्टॉल करना है, तो इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसको इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं। और यहाँ पे मैं इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं।